मैं हर में जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो अंग्रेजी का जो डर है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में ज़्यादा है, ये अंग्रेजी का डर है या अंग्रेजों का डर है? सी, कहीं ना कहीं इस बात को हमको मानना पड़ेगा, इसको आपको जहन में रखना पड़ेगा कि हम 200 साल से ज़्यादा गुलाम थे अंग्रेजों के। कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कल्चर में वो गुलामी, वो डर रहा है। तो अंग्रेजों से हम डरते थे। कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो डर है वो अंग्रेजी का नहीं है? वही डर हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए लेके आ रहे हैं, हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गया है। लेकिन जब अंग्रेज थे वो डर मैं कल से जायज़ था, होना चाहिए। आप अगर किसी के गुलाम हो तो गुलाम तो डरता ही है मालिक से, यही चलता आ रहा है। हम गुलाम क्यों बने, नहीं बनना चाहिए था, वो अलग बात है, उसकी बात नहीं करेंगे आज। लेकिन अगर गुलाम थे तो डरेंगे, तो हम डरे। वो डर, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गई। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो लैंग्वेजेस है, हिंदी और अंग्रेजी, जो हमारे गवर्नमेंट ने बोली है, भारत के संविधान ने बोली है कि यही दो लैंग्वेजेस आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बाकी भी है लेकिन ये दो है। तो अंग्रेजी हमने निकाली नहीं, क्योंकि अंग्रेजी नहीं निकली, अंग्रेजी तो रह गई लेकिन अंग्रेजी से के साथ में डर भी रह गया। डर किस चीज़ का? डर इस चीज़ का कि ये है तो फॉरेन लैंग्वेज ही यार, मानो इस बात को, ये हमारे देश की लैंग्वेज नहीं है। और कोई भी देश पकड़ लो और उस देश का कोई भी बंदे को पकड़ लो, वो बंदा कभी भी फॉरेन लैंग्वेज में उस तरह से बात नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करता है। कुछ एक्सेप्शनल लोग होंगे जो बहुत ही एकदम पंडित लोग हैं, इनमें बहुत महारत है लैंग्वेजेस की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आप जैसे मेरे जैसे लोग। हमारा जो कमांड होती है लैंग्वेज के ऊपर, जो हमारी पकड़ होती है लैंग्वेज के ऊपर, वो हमारी उस लैंग्वेज पर होती है जो हम रोज़ बात करते हैं। मेरे लिए हिंदी है, मेरे लिए मराठी है, ये मेरी लैंग्वेजेस। अंग्रेजी में तो बहुत कम बात करता हूँ, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तब बात करता हूँ, या मीटिंग्स में क्लाइंट से मिलता हूँ तब बात करता हूँ। तो वो लैंग्वेज तो बहुत अलग है मेरे लिए, इतनी अहमियत नहीं रखती वो लैंग्वेज। अंग्रेजी मेरे लिए हिंदी रखती, वो मेरी लैंग्वेज है, लेकिन मुझे अंग्रेजी में बात करनी ही पड़ती है बिकॉज ये हमारा कल्चर हो गया है अभी। लेकिन अंग्रेजी है तो अंग्रेजों का डर भी है। तो मुझे लगता है एक ही तरीका है अभी इसमें से निकलने का, डर के साथ तो जीने में कोई लॉजिक बनता नहीं यार, क्यों डरे हम? तो एक ही तरीका इस डर को ओवरकम करने का, वो है अगर ये मान लिया है इस देश ने, हमारे देश ने अगर ये मान लिया है कि हमको ग्रो होने के लिए, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हो और आप कॉरपोरेट में हो, या आप न्यू जनरेशन हो और आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ऐसे वर्ल्ड में ही जाओगे, इंडिया में भी ऐसी जगह ही जाओगे जहाँ पे अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। तो अगर ये हमने मान लिया है कि यार ये लैंग्वेज ही हमको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, तो भैया एक ही तरीका है इस डर को निकालना, वो है इसको सीखें। इसको जैसे स्कूल में सीखते थे वैसे ही जाके सीखें। मैंने मेरे 20 साल के करियर में कई करियर ख़राब होते हुए देखे और कई करियर अच्छे होते हुए देखे, कई लोगों को ग्रो होते हुए देखा है और कई लोगों को स्टैग्नेंट होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज वो अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते। ये सच्चाई है इस देश की, इस सच्चाई को मानो मेरे भाई, मानो मेरी बहन, इसको मत छुटलाओ कि नहीं कुछ नहीं होता। और ये इस सोच में मत रहो कि नहीं मुझे अंग्रेजी तो आ ही जाएगी, मैंने तो पढ़ी है। संस्कृत भी पढ़ी थी आपने शायद स्कूल में, मैंने तो पढ़ी थी संस्कृत, मुझे तो नहीं आती संस्कृत। तो अगर आप उतने भाग्यशाली नहीं है कि बचपन से लेकर आपको ऐसा माहौल मिला है कि भैया आप हर जगह खाते पीते हर टाइम पे अंग्रेजी बात कर रहे हो और आपकी कमांड आ गई, तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। लेकिन अगर वैसा माहौल नहीं मिला है तो भाई अभी भी देर नहीं हुई है, सीख लो। मैंने वही किया मेरे लाइफ में, बड़ा इतना बड़ा डर था मुझे अंग्रेजी का, नाइन्थ में फेल हो गया था अंग्रेजी में। जब मैं बॉम्बे आया 30 साल की उम्र में, ओ माय गॉड, सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मैंने क्लासेस लगा ली, अभी भी सीख ही रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने सीख ली है इस हद तक कि मुझे अगर कुछ मेरी बात करनी है अंग्रेजी में तो मुझे डर नहीं है, उस हद तक मैंने सीख ली है। और मैंने उस हद तक भी सीख ली कि अगर मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, किसी डिफ़िकल्ट ऑडियंस के सामने खड़ा हूँ,
क्रिटिकल सिचुएशन है, मैं डरा हुआ हूँ, फिर भी मेरा लैंग्वेज स्किल मुझे उतना सपोर्ट कर देगा कि मैं अपने आप को सही तरह से एक्सप्रेस कर पाऊँ, उस हद तक भी मैंने सीख ली है, तो मेरा जो डर है अंग्रेजी का वो निकल गया है। इसलिए मैं आजकल हिंदी में वीडियो इसलिए बनाता हूँ, पहले इसलिए नहीं बनाता था कि मुझे डर था, कहीं मैं इसलिए तो नहीं बना रहा हूँ हिंदी में वीडियो और कि मैं अंग्रेजी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मेरा डर निकल गया है, तो मैं वीडियो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बनाता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब अंग्रेज चले गए हैं तो इस भाषा से डरो मत, ये भाषा ही है और कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर ये सोच लो कि आप इस भाषा को अच्छे से प्रयोग पे ला पाओगे अपनी ज़िंदगी में बिना सीखे, ये तो गलत है, ये तो होने से रहा, ये नहीं होगा। आप अभी चाहे बोल लो, जब सिचुएशन इजी हो, आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाए और एक ऐसी भाषा को यूज़ करने को बोला जाए जो कि विदेशी भाषा है, फंसोगे, बोल रहा हूँ मैं, मान लो, सीख लो। ये मेरे विचार है, आपके विचार बताओ। दिस इज प्रेरणा का साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।